ये है गांव का बड़ा सा मकान, जिसे लोग आदतन हवेली कहते हैं, और हवेली के बरामदे में दरबार लगाना हुजूर को पसंद है, क्योंकि यहां सदियों से उनके बाप दादा भी बैठते चले आए हैं। वे भी हुजूर थे और ये भी हुजूर हैं। हुजूर के आसपास दो चार हुजूरिये बने रहते हैं, जिन्हें यहां हज्जू कहने का चलन है। एक सुबह की बात है, हुजूर दलित बस्ती में हरिया मर गया था, तो आज इसी अखबार में उसका फोटो छपा है। लिखा है उसका स्वर्गवास हो गया था, स्वर्गवासी हरी राम, ऐसा लिखा है। तो हुजूर उतर स्वर्ग में आपके पुर के विराजे हैं। पंडित अनसेठ साहूकारन इन्हें मिला था स्वर्ग। अरे जिन्हें मंदिर की सीढ़ियां चढ़वे लाजे मना है, बाकी स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ रहा है। यह बात तो गलत है। इनकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। पहले स्कूलों में घुसे, फिर नौकरी में घुसे, फिर मतदान केंद्रों में घुसे, और अब स्वर्ग में भी। अरे हुजूर, बड़े हुजूर और बड़ी मलकिन तो इन लोगों की छुई लकड़ी भी गंगा जल से धुलवा कर फिर चूल्हा जलाती थी, अब बताओ स्वर्ग में उनका क्या होगा। अरे सुनो, ए और शुक्ला वकील को फोन लगाओ, जा तू लगा और उसे पूछ कि स्वर्ग में आरक्षण है का, पूछ। हुजूर, ये आजादी ने सबरो सिस्टम गड़बड़ कर दो है। इसे तो अंग्रेजन को राज अच्छो है, तो वे हम लोगों के मामले में दखल नहीं देता थे। हाँ का हुजूर, अपन पंडित जी को बुला ले, नहीं तने सलाह मशवरा हो जाएगा। नहीं, स्वर्ग के मामले में उनके बोल वचन एकदम पक्के हैं। अरे आ घनश्याम, अरे जा रहे वो पंडित वे को बुला के ला, पंडित को। और क्यों रे, वो शुक्ला वकील से बात हुई है? अरे हुजूर, वो वकील साहब कह रहे हैं कि स्वर्ग के बारे में उनको मालूम नहीं है, लेकिन महास्वर्ग मराठी मानुष का है, ये पक्का है। आप ही बात कर लो ना हुजूर। हाँ हाँ वकील साहब। अरे क्या वकील साहब, अरे आपको कोई केस सुलझाने के लिए दो तो आप उसको और ज्यादा उलझा देते हैं। अरे भैया, हमने बस इतना पूछा कि स्वर्ग में भी आरक्षण है कि नहीं है, और तुम। ठाकुर साहब, ये जो बिहारी स्वर्ग में या जाट स्वर्ग में आरक्षण है कि नहीं हमें नहीं पता, पर ये जो महास्वर्ग है ना, वो सिर्फ मराठियों के लिए है, और उनके जो आपले साहब हैं, उनका कहना है कि हम महास्वर्ग में किसी भी देंगे। वकील भी कंफ्यूज आदमी है, जरा ये तो पता करो कि ये हरिया स्वर्ग में गया होगा या महास्वर्ग में। स्वर्ग में ही गया होगा हुजूर, मराठी तो उसको आती नहीं थी, है ना, और उसी स्वर्ग में आपके पुरखे भी। यही तो चिंता की बात है। आजादी के बाद कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जिन्हें नरक में होना चाहिए वो स्वर्ग जा रहे हैं। अरे कोई नियम कायदा ही नहीं है। अरे क्यों रे, वो पंडित आया कि नहीं? आते ही होंगे हुजूर। अब वो पाए लगी हुजूर, पाए लगी। सदा खुशी रहे सबका। पंडित जी जरा ये तो बताओ कि स्वर्ग में कौन कौन जा सकता है। हुजूर, शास्त्रों में लिखा है कि धर्म कर्म करने वाले जा सकते हैं स्वर्ग, और जो अंतिम समय में जो नारायण नारायण कहते हैं वो भी जा सकते हैं स्वर्ग, और ब्राह्मणों को दान देने वाले तो क्या आ ही सकते हैं। और बाकी आपकी मर्जी हुजूर, जिसको चाहे भेजते हैं आप। तुम मरोगे तो कहाँ जाओगे? हाँ हाँ
आपकी मर्जी हुई तो हम भी जा सकते हैं। पहले तो आपकी मर्जी से लोग जाते थे स्वर्ग में। अरे वो जमाना कुछ और था हुजूर, अब लोकतंत्र है, आप लोगों का राज है हुजूर। सेठ सब का गल्ले दल्ले, हाँ वो भी जा सकते हैं स्वर्ग अगर कोशिश करें तो। और कौन जा सकता है स्वर्ग? हरिजन बस्ती के लोग। अरे जिन्हें जीते जी कुछ नहीं मिला उन्हें मरने के बाद क्या मिलेगा? बता जरा पंडित को क्या हुआ बता। अरे पंडित जी वो हरिया है ना दलित बस्ती का जो मरा था पिछले हफ्ते, आज अखबार में उसका फोटो छपा है, लिखा है स्वर्गीय हरिराम। अरे लिखने से क्या होता है, आप अपने नाम के आगे थानेदार लिख दो तो थानेदारी थोड़ी ही मिल जाती है। अरे पर कुछ नियम तो होने चाहिए ना कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नहीं जाएगा है? स्वर्ग ना हुआ जनता चौक हो गया, मैं जिसकी जिसकी मर्जी आ रही है मुंह उठा के चला जा रहा है। अरे क्या उस हरिया के लौंडे को बुला कर ला, स्वर्गवासी की औलाद। अरे अरे जाने दीजिए हुजूर, जाने दीजिए, जाने दीजिए। अरे जमाना बहुत खराब है, जाने दीजिए, जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे चला? अरे आज एक स्वर्ग में जा रहा है, कल पूरा दलित मोहल्ला स्वर्ग में घुसा चला जाएगा है? शुरू में ही रोक दो तो ठीक है पंडित, बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुंडेर का पीपल जितनी जल्दी उखाड़ दो उतना अच्छा है। और क्यों पंडित, हम लोग जमाने भर का कर्म कांड तुमसे पुरखों की शांति लिए करवाते हैं है? और तुम ही बोल रहे हो कि जाने दीजिए। अरे इतनी भी तमीज नहीं सिखा पाए तुम इन लोगों को, जाने दीजिए। अरे आज आज ये सब स्वर्ग में चले आएंगे तो हम कहां जाएंगे और तुम भी कहां जाओगे? हुजूर जब से ये लोग पढ़ लिख गए हैं ना सब लोग, तब से हमारी सुनता कौन है हुजूर? अरे पहले अक्षर ज्ञान पर पाबंदी थी तो सब कुछ ठीक था। पहले पहले भी ये लोग गए हैं स्वर्ग में? हाँ वो यूपी बिहार में कुछ बड़े लोग बड़े नेताओं के नाम के आगे होता है स्वर्गीय। बड़े नेता? कौन बड़े नेता? अरे बड़े नेता बनने के भी बाद वो कागज पर तो दलित ही है ना है? पार्टी कार्यालय में जाकर देख लेना रजिस्टर में, ये सब बड़े बड़े नेता पहले जात से पहचाने जाते हैं। हाँ कुछ ये संत दलित संत वंत के आप भी गए होंगे स्वर्ग गए होंगे वो, लेकिन हुजूर वो स्वर्ग में भी आपके पुरखों की हजामत ही बनाते होंगे। लेकिन तुम तो कहते थे पंडित की स्वर्ग में किसी को दाढ़ी मूछ आती नहीं, किसी को टट्टी पेशाब नहीं आती, कोई नहाता धोता नहीं है, ना कोई बूढ़ा होता है, ना किसी को रोग होते हैं। सही है हुजूर, सही है। स्वर्ग में आत्माएं देवताओं के साथ अप्सराओं का नृत्य देखते हुए सुरापान करते हुए पड़ी रहती है बस। पड़े रहते हैं? मतलब पड़ी रहती मतलब विश्राम करती है, विश्राम करती है। हुजूर हरिया का मोड़ आ रहा हूं। पंडित जी अने किधर आ जाओ। क्यों रे, तू है हरिया का लड़का? जी सर। पढ़ा लिखा है? जी सर। नौकरी करता है? जबलपुर के कलेक्ट्रेट में क्लर्क हूँ। क्या कलेक्टर ने रुक्का लिखकर तुझको दिया था कि हरिया स्वर्गवासी हो गया है? नहीं तो, बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, चल बसे। अरे चल बसे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो स्वर्गवासी हो गया है ये तुझे किसने कहा? किसी ने भी नहीं सर। हरिया स्वर्गवासी कैसे हो गया? जो भी मरता है उसको स्वर्गवासी कहने की परंपरा है। परंपरा? क्यों रे पंडित, ऐसी कोई परंपरा है? अरे नहीं नहीं हुजूर, ऐसी कोई परंपरा नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। सभ्य समाज में तो है। सभ्य समाज? अच्छा तो आप लोग सभ्य समाज वाले हो गए, वाह। तो आपके लिए कुर्सी बुलवाऊं पड़ोस में बैठने के लिए? नहीं, हमारे पड़ोस में आके बैठ जाओ।
नहीं सभ्य है, बुलवाओ कुर्सी। अरे नहीं सर, आप लोगों के बगल में हम कैसे बैठ सकते हैं सर? इतना समझता है तुझे? अरे तो फिर तेरा बाप स्वर्गवासी कैसे हो सकता है? अरे ऊपर स्वर्ग में हमारे पुरखे रहते हैं, तेरा बाप क्या हमारे पुरखों के पास में बैठेगा? स्वर्ग तो बहुत बड़ा होता है सर। अच्छा, स्वर्ग बहुत बड़ा होता है, तू देख कर आया है? और क्यों रे, ये सर सर क्या लगा रखी है? अपने से बड़े को सर बोलते हैं। लेकिन ये लोग तो हुजूर बोलते हैं, सुना नहीं तुमने? सभ्य समाज में तो सर ही बोलते हैं सर। तो यहाँ अकेले आप एक सभ्य हैं, बाकी तो सब असभ्य है। अबे सभ्यता जहां चलती होगी वहां चलती होगी, यहां नहीं चलेगी, समझा? समझ गया कि अभी बताओ तुझको? अरे हुजूर बोलने में तेरी जवान घिसती है क्या? बट अरे ओए, तू तो हमें ये बता, स्वर्ग में सोई आरक्षण होते का? पता नहीं। अरे पता नहीं तो जहां मर्जी आएगी वहां घुस पड़ोगे? अरे आजादी जमीन पर मिली है ना धरती पर, कि स्वर्ग की मिलेगी? एक के साथ एक फ्री। नहीं सर, हुजूर तो फिर हरिया स्वर्गवासी कैसे हो गया? दलितों का स्वर्ग अलग है हुजूर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे स्वर्ग में देवता होते हैं, अप्सरा होती है, तब जाकर वो स्वर्ग बनता है, और देवताओं का भी अपना धर्म होता है। जात पता लगने के बाद प्रभु जी ने भी शंभू को बर्दाश्त नहीं किया था, पता है जी? पता है हुजूर। ए? आप लोगों का स्वर्ग सातवें आसमान पर है, लेकिन दलितों का स्वर्ग बारहवें आसमान पर है हुजूर। बारहवां आसमान क्या तेरे बाप का है? जहां मर्जी आ रही है सब घुसे चले जा रहे हो। देख लो, याद रखो रे, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और खबरदार, आज के बाद कभी भी तूने अपने बाप को स्वर्गवासी कहा तो पानी। लेकिन तूने अखबार में तो छपवा दिया है, उसका क्या होगा? इस जन्म में तो हुजूर हम लोग को जानवरों का दर्जा मिला, उस जन्म में तो बरौनी का दर्जे की आशा कर सकते हैं। स्वर्ग नरक तो कर्मों से मिलता है ना। चुप है, पकड़ लो, पकड़। और इसके माथे पर लिख दो, नरकवासी मेरा बाप, नरकवासी मेरा बाप, ताकि जब शोक के लिए इसके समाज के लोग इसके घर आए तो उनको पेपर में छपी हुई इस गलत खबर का खुलासा हो सके।